मैं आज आपको 2014 की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर लोगों के सामने आई थी। उस वक्त हम एक संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी का देश 14 से 19 किस तरह से चलेगा इसका विजन लेकर हम आपके सामने आए थे और 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए ने की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा, ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को साच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियातों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है, 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं, 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है, 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े, 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था सीधे इसके मोबाइल पर 6000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े 4 कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी, आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का यह देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता, ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है।
दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का गौरव दुनिया के अंदर धीरे 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 नीचे जाता था। ये 5 साल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो, देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या है, भारत सरकार का मंतव्य क्या है, इसके मायने पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर बहुत बदले हुए नजर आते हैं। मैं मानता हूं इस बात के साथ देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक भी घपला घोटाला भ्रष्टाचार इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले स्कैम एक के बाद एक स्कैम की सीरीज के बाद जो सरकार बनी, इसने प्रामाणिक सरकार कैसी हो सकती है, एक पारदर्शी सरकार कैसी हो सकती है, उसका उदाहरण देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, आज देश दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत दुनिया में एक महाशक्ति के नाते अपनी पहचान को कायम कर, हर भारतीय कोई दिन का इंतजार था। 70 साल हो गए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के फैसलों में हमारी कोई भूमिका नहीं होती थी। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। मैं मानता हूं आने वाले दिनों के अंदर ये बात और आगे बढ़ने वाली है। मैं 5 साल के अंदर इस सरकार ने कई कदम उठाए, सबका जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि आज का विषय हम आगे क्या करेंगे, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों को भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टडी है उनको मालूम होगा काम करना कितना कठिन होता है, और खास करकर फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री के अंदर। इसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां कोई सरकार 30 साल काम करे तो 4-5 बड़े फैसले ले सकती है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। मैं मानता हूं कि 5 साल हमारे भारत के विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। 2014 के जनादेश का अगर एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो 2014 का जनादेश कांग्रेस से, जो कांग्रेस का शासन, यूपीए का शासन, कांग्रेस के साथियों का शासन, सो कॉल्ड गठबंधन वालों का जो शासन था, वो शासन से जो निराशा जन्मी थी, वो निराशा ने नरेंद्र मोदी में एक आशा देखी थी और ये आशा को जनादेश में जनता ने परिवर्तित किया था। और 2014 से 2019 तक ये जो यात्रा चली है, देश का जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी है। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है, अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है और मैं बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही सक्षम है 125 करोड़ देश की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, विशेषकर देश के युवाओं की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, उनकी अपेक्षा का भारत बनाने के लिए। लोगों को अपेक्षा है देश का टॉप 5 इकोनॉमी में आ सकता है। देश के गरीबों को अपेक्षा जगी है कि हमें गैस मिल गया, घर मिल गया, बिजली मिल गई, शौचालय मिल गया, स्वास्थ्य की योजनाएं मिल गई, अब आगे पर भी हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है क्या। किसानों को आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है। देश आतंकवाद से केवल मुक्त न हो, आतंकवादी देश के ओर देखने की हिम्मत न करे, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने की जनता को अपेक्षा है। कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान की अपेक्षा है और देश
दुनिया में महाशक्ति बनकर अपना स्थान हमेशा के लिए सुनिश्चित करे, इसकी भी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, इस सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। मोदी जी ने देश के सामने आजादी के जब 75 साल समाप्त होंगे 2022 में, तब देश कैसा हो इसका एक विजन रखा है, और वो विजन के हिसाब से 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में ये 75 संकल्पों को पूरा कर जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाता होगा, इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर, संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। सबसे बड़ी मोदी सरकार की सिद्धि है, हमने सोचने का स्केल बदला है। पहले योजनाएं बनती थी, 1000 घर बना देंगे, 1,00,000 टॉयलेट बना देंगे, अब हरेक को घर देंगे, हरेक को टॉयलेट देंगे, हरेक को गैस देंगे, हरेक को बिजली देंगे, हरेक के स्वास्थ्य की सुविधा करेंगे। देश का सोचने का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जिसकी देश की जनता राह। आज ये संकल्प पत्र की घोषणा हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष, देश के गृहमंत्री, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं। कई सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर, अलग अलग क्षेत्र के तज्ञों के साथ चर्चा कर, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर और भारत के मन की बात के माध्यम से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का भागीदारी कर एक संकल्प पत्र को बनाया गया है। मैं मानता हूं दुनिया भर की डेमोक्रेटिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है कि कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर बनाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र लेकर आपके मन की बात संकल्प पत्र में समाहित कर आपके सामने आती है, आने वाली है। इस वक्त मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, 2014 से 2019 तक हमने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। कई चीजें जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं भी थी उसको आगे ले जाने का काम किया है। आप एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथीदारों को आशीर्वाद दीजिए। हम एक मजबूत सरकार देने का वादा करते हैं, हम एक निर्णायक सरकार देने का वादा करते हैं, एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देने का वादा करते हैं। मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे दल साथ में मिलकर जनता की अपेक्षा का भारत बनाने में हम सफल होंगे। पूरे देश भर में जहां जहां जाते हैं, फिर एक बार मोदी सरकार का उद्घोष जनता में से सुनाई पड़ता है, जो व्याख्यायित करता है लोगों की अपेक्षाओं को, और ये अपेक्षाओं की पूर्ति का चुनाव है। ये अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जरूर करेगी, मुझे इसकी पूर्ण आशा है। और आप सबसे भी अपेक्षा है कि चुनाव के ये संकल्प पत्र को आप हमारी स्पिरिट को, हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे। ये बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।